राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है। राजस्थान संत सूरमाओं जती सती कवि अज्ञानंदी नदीनाथ जी महाराज जैसे महान सिद्ध योगी पुरुष में बहुत करीब यहाँ से भिक्षु स्वामी जी महाराज का यहाँ जन्म हुआ। यहाँ से बहुत करीब चंडावल में योगीराज वासुदेव जी महाराज प्रकट हुए। अपने आप में हम बहुत महान लोग हैं, इस बात का गौरव हमको करना पड़ेगा। हम सामान्य लोग नहीं। महाराणा प्रताप के विषय में आज भी एक प्रश्न है कि आप लोगों में से महाराणा प्रताप अब क्यों नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप का भाला होता था 50 किलो का। आजकल के युवा को यदि तोला जाए तो उसका वजन निकलता 43 किलो, तो वो भाला कैसे उठाए, तलवार कैसे उठाए। इसीलिए हल्दी घाटी में समर लड़ा, देखिए ये कार्यक्रम की अंतिम रचना होगी और देशभक्त लोग बैठे हैं, आपकी तालियों के साथ में मैं शूरवीरता को गाना चाहता हूं। गायक जो होंगे उनके हाथ नीचे रहेंगे और जो शूरवीरता का भाव लिए हुए वो दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ में वो चेतक की रोस बार कठे, दोनों हाथों को उठा दे। माजड़ था रो वो कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेतक लो बस बार कठे, माजड़ था रो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, महाराणा प्रताप कठे। शॉल को
थोड़ा सा दूर हटा के हाथों को निकाल के, क्योंकि हम सर्दी में यूं इकट्ठे हो रहे हैं और जो सीमा पर जो लोग खड़े हैं वहां पर -50 डिग्री के टेम्परेचर में जहां पर खून बर्फ में जम जाता है, हमारे वीर सैनिक हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। दोनों हाथों को उठा रहे, एक बार हाथ नीचे होंगे, मुझे उस पर शक होगा पूरा कि वो कौन है। माजड़ था दो, हाथ नीचे होगा कायर होगा, ध्यान रखना भारत का है तो हाथ उठ जाएगा। माजड़ था दो एक लिंग की हरकत है, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, जोर से बोलो पूरी आवाज में, महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। लेकिन चेतक घोड़े को जन्म देने की ताकत सिर्फ राजस्थान की। और तेरे कंधों पे आज भार है मेरा लड़का, हेलो अब आ गया बहुत सारी रंग प्रकाश जी माली के हाथ में, थोड़ा 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 हो जाए, थोड़ा हो जाए, मंच को खाली कर दे, थोड़ा थोड़ा हो जाए, खेलोगे तो फोटोग्राफी होगी। जय श्री राम। अब इनको गाना भी तो दो, अब सब लोग का आप नीचे उतर जाए। प्रकाश जी हाथ में तलवार लेकर के, एक हाथ में माइक्रोफोन लेकर के, और फिर महाराणा प्रताप को गाय ताकि लगे कि कंकालिया के इस ऐतिहासिक शहर में हमने एक रात में एक ऐसा जलवा पैदा कर दिया जिसे आपने भी देखा, हमने भी देखा। तेरे कंधों पे आज भार है मेरा का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, बिना जवाब तुमको शेरों की पहाड़ का। दोनों हाथों को उठा के देखिए, आप सब लोग पूरे जोश में हो, मैं कार्यकर्ताओं को नचवाऊंगा अभी, लेकिन उसके लिए एक सिर्फ 1.5 मिनट आप रुक जाओ। दोनों हाथों को उठा के हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो देश के काम न आए, अगर देश
पाकिस्तानी बांग्लादेशी चाइना वाला घुस के क्या भारत सीमा में घुस आया। देखिए पाकिस्तानी बांग्लादेशी विषयों को छोड़ दो, इस देश के अंदर षड्यंत्र हो सकता, आपके कंकालिया के अंदर भी षड्यंत्र हो सकता। मैंने कहा कि कसाब जैसे काम करोगे तो फांसी पे लटकाए जाओगे। कसाब क्योंकि उस समय अकबर था, आज अकबरुद्दीन है, बस नाम तो वही है, मानसिकता तो वही है कि देश हिंदुओं का है, हिंदुओं के साथ में दूध में शक्कर जैसे काम करोगे तो खीर बना के पिला देंगे, दूध में नींबू जैसा काम करोगे तो देश में रहने नहीं देंगे। बस इतना सा फर्क समझ जाओ। हमने कहा कि आप शक्कर जैसे बन जाओ, हम आपको मीठी खीर बना के पिला देंगे, लेकिन यदि तुमने नींबू जैसा काम किया तो हम अपने दूध को फटने नहीं देंगे। और इसीलिए भारत तेरा वीर जवाना है, दोनों हाथ उठा के पर बताओ, भारत तेरा वीर जवाना है, जाने ओ सब सिखा दिए तो तेरे प्रताप का वंश, जाने आपा तो बता दीजिए। और मेरे साथ बोलेगा जो देशभक्त है वो तो बोलेगा, और जो नहीं बोलेगा उसके लिए मैं अपना विचार बदल दूंगा। जो कश्मीर भारत को है, कश्मीर जो कश्मीर, मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि प्रकाश जी हाथ उठाने से कश्मीर का मसला हल हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि कंडालिया जैसे छोटे से कस्बे के लोग यदि दोनों हाथों को उठाकर ऐसा बोलते कि कश्मीर भारत को है, और बाई चांस ये वीडियो की क्लिप सीमा पर खड़े किसी सैनिक के हाथ लग जाए, कश्मीर में जो ब्राक सेक्टर में जो करगिल में खड़ा है उसके हाथ में लग जाए, उस सैनिक को ये भरोसा हो जाएगा कि मैं अकेला नहीं खड़ा, पूरा देश मेरे साथ में खड़ा है। और इसलिए आपको बोलने की आवश्यकता मित्रों, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर माजड़ था दो वो फूल तपे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माय रंग दे माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आज जो आपने परंपरा शुरू करी है ना, ऐसा नहीं कि आपने संगीत कर दिया और बस ठीक है दूसरे दिन ऐसे, ऐसा नहीं होगा। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि अगले एक दो साल में ये पूरे राजस्थान में मिसाल बननी चाहिए कि बजरंग दल का अखाड़ा यदि खुला है तो उसमें से कैसे कैसे शूरवीर निकल के बाहर आए। और ये भी एक नोट करना, मैं आपको एक और भी एक सलाह दे देता हूँ, एक मिनट फोटोग्राफी छोड़ो ना यार, दो मिनट मेरी बात सुन लो, फोटोग्राफी छोड़ो उनको।
एक आज आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, अखाड़ा प्रारंभ हुआ, सबका वजन लेना आज कल नाम सही, और फिर प्रत्येक महीने से बाद में उसका वजन और उसकी लंबाई। बजरंग दल का अखाड़ा खोला, सिर्फ अखाड़ा खोल कर हमने लिख दिया काम ऐसे नहीं चलेगा। 2 साल के बाद में आप लोगों के शरीर में कितनी ताकत आती है, आपके ये जो क्या बोलते हैं उसमें सिक्स पैक वो कैसे बनते हैं, वो बना के फिर बाद में बताना कि ये ऐसा बजरंग दल का अखाड़ा होता है। ये तो ये खोल दिया ठीक है, हम भी गा के चले गए रात में, तो काम चलने वाला नहीं। धन्यवाद। और कार्यकर्ताओं से बिल्कुल निवेदन है कि 8 PM से बिल्कुल दूर रहना। हाँ, कई लोगों को कल समझ में आएगा। मैंने रंगा बसंती